उनका दर्शन किया है। वृंदावन ये धाम इतना विस्तृत है कि इसको केवल 5 कोस के भीतर सीमित नहीं मानना चाहिए। वृंदावन को 20 कोस में बताया है। बरसाना, नंदगांव, ये सब वृंदावन के अंदर ही आता है। वृंदावन का जो है इसके बारे में श्री जीव गोस्वामी महाराज ने कहा, धवलाद्री जी महाराज ने कामा तक को वृंदावन के अंदर ले लिया। काम्यवन के महात्म्य में भी कामवन को आदि वृंदावन कहा जाता है। इसका क्षेत्र बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए। बरसाना, नंदगांव, कामा तक वृंदावन का क्षेत्र माना जाता है। यहां तक कि वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनामी च, गोवर्धन गिरिराज जी भी वृंदावन के अंदर आते हैं। भागवत जी में वेणु गीत में कहा गया, वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्तिम, यत देव की सुख पादांबुज लब्धि। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षा दृशान पड़ता न समस्त सत्वम। वेणु गीत में इस श्लोक में प्रेक्षाद्री अद्री शब्द का प्रयोग हुआ। अद्री माने पर्वत, पर्वत से मतलब है गिरिराज जी। तो गिरिराज जी को भी वृंदावन के अंदर ले लिया। तो ये धाम तो इतना व्यापक है और यहां ऐसे ऐसे महापुरुषों ने आकर भजन किया जिन्होंने अपनी साधना आराधना से अनेकों सिद्ध विग्रहों को प्रकट किया, जिनका आज हम लोगों ने दर्शन किया। सबसे पहले हम लोग गोपेश्वर महादेव गए। गोपेश्वर महादेव जहां शिव जी आज तक मानसरोवर में राधा रानी में जब यात्रा का पड़ाव था तो आप लोगों ने वो कथा सुनी थी कि रास में प्रवेश करने के लिए महादेव जी और आसरी मुनि ही गर्गाचार्य थे। ये दोनों गोपी रूप धारण करके इनको महाराष्ट्र में प्रवेश मिला।
महाराज कंडल पर जाकर इन्होंने राधा माधव के दर्शन किए, दर्शन करके स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर श्री जी और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि शंभु मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी वरदान मांगो। तब वहां भगवान शिव और आसुरी मुनि दोनों ने वरदान में मांगा, नमस्ते भूमन्यु वयो पदाब्जे सदैव वृंदावन मध्यवास। राधा माधव को प्रणाम करते हुए उन्होंने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें सदा सदा के लिए वृंदावन में वास दे दीजिए। प्रभु ने उनकी इस इच्छा और प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा, सदा सदा के लिए उन्हें यह वृंदावन में अखंड ब्रजवास दिया। निकुंज पार्श्वे पुरने वंशी वट समीपतः शिवोपि च आसुरी मुनिर नित्यं वासं चकार। वंशी वट के पास में ही शिव जी को भगवत इच्छा से वृंदावन धाम का वास मिला, जो आज तक गोपेश्वर महादेव महादेव कहे जाते हैं, जिनका आज हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने अनेक और चावतार विग्रहों के दर्शन किए, जैसे गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ जी मधु गोस्वामी जी के ठाकुर हैं। एक बार श्री मधु गोस्वामी जी कृष्ण प्राप्ति की इच्छा से वृंदावन में आए। वृंदावन में जब कृष्ण दर्शन नहीं हुआ तो उनके विरह में व्याकुल होकर दिन रात पुकारा करते थे। दिन रात कृष्ण को पुकारते, उनकी स्थिति ब्रजगोपियों की तरह हो गई थी। जैसे ब्रजगोपियों के बारे में वर्णन आता है, गोपियों को जब रास के मध्य से, रास के पूर्व जब ठाकुर जी अंतर्धान हुए तो गोपियों की दशा ऐसी हो गई कि वृक्षों से लताओं से कृष्ण मार्ग पूछने लगे। वही स्थिति मधु गोस्वामी की हुई है। वनांतर में जाकर कृष्ण को पूछने लगे, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। नवेली है चमेली को प्राप्त हुआ है, तभी तेरे नित्य फूल खिले। बता, यदि तूने कृष्ण को देखा है तो उनका मार्ग बता दे, मेरे प्राणनाथ को बता दे। मैं उनके दर्शन की इच्छा से ब्रज में आया था, मैं उनके बिना यहां जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो लताओं से पूछ रहे हैं, प्रफुल्ल है ब्रह्मांड।
से बाहर आते तो फिर कृष्ण को बुलाने लगते हैं, हे कृष्ण यदि तुम नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, तुम्हारे बिना मैं यहां जीवित नहीं रह सकता, मैं वृंदावन में केवल तुम्हारे दर्शनों की आश लेकर आया था, मुझे अपना जल्दी से दर्शन करा दो नहीं तो तुम मुझे जीवित नहीं देख पाओगे। Oh,
प्रभु का जो वर्ण है वो नीला वर्ण है, लेकिन वो पीले पीले स्वर्णिम कुंडल नीले वर्ण को भी पीला बना देते हैं। ठाकुर जी नीले से पीले बन गए कुंडलों के कारण। सुखदेव जी ने भी जुगल गीत में इस बात का वर्णन किया, बदर पांडु वदनो मृदु गंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्मण। जो कनक सोने के कुंडल ठाकुर जी ने धारण कर रखे हैं, उन सोने के कुंडलों के कारण ठाकुर जी की नीली कांति दब गई और उनका शरीर भी ऐसा लगने लगा मानो राधा रानी की तरह, उनका शरीर भी कंचन की तरह हो गया है, पीला सा हो गया।
व्रजति तेन वयं स विलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुछ गति गमिता न विदाम कश्मलेन कबरम वसंगा। कुछ गति कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि जब वो चलता है तो उसकी उस चाल को देखकर, मतवाली चाल को देखकर हम जड़ की भांति हो जाती हैं, ऐसी बेसुध हो जाती हैं कि हमारा जूड़ा तो खुल जाता है, हमारा नीली वस्त्र खुल जाता है, हमें ये भी ध्यान नहीं रहता। ये सब कमाल उसकी चाल का है। कृष्ण को पुकारते हुए मधु गोस्वामी जी यमुना के किनारे घूम रहे थे। कृष्णावेश में कृष्णावेश जब आता है तो उस समय देहानुसंधान नहीं रहता है। दो आवेश मुख्यतः बताए गए हैं, एक तो विषयावेश और दूसरा होता है कृष्णावेश। जब विषयों का आवेश होता है तब तक कृष्णावेश नहीं होता है, जब कृष्णावेश आ जाता है तो फिर विषयों का आवेश चला जाता है। विषयावेश चित्ता नाम विष्णु आवेश दुर्लभ। विषयों में जब तक जीव रमण कर रहा है निश्चित है कि कृष्ण आवेश उसे नहीं आएगा, लेकिन मधु गोस्वामी जी को जो कृष्णावेश आया था, अपने आप को ऐसा भूल गए मधु गोस्वामी जी यमुना के किनारे जा रहे हैं। ये आवेश चैतन्य महाप्रभु जी को प्राय आता था। एक बार ऐसा आवेश आया कि समुद्र को नीली यमुना समझकर समुद्र में महाप्रभु जी गिर पड़े थे। चटक पर्वत को उन्होंने गिरिराज पर्वत समझकर अपनी भुजाओं में भर लिया था, और जिस समय महाप्रभु जी आंखों से पिचकारी आंसू की निकलती थी, उनके शरीर का एक एक अंग अलग अलग हो जाता था। मधु गोस्वामी जी के साथ वो घटना होने वाली है, कहने को दुर्घटना है किंतु कहना चाहिए कि वो शुभ घड़ी आने वाली है कि जो उस समय यमुना में बाढ़ आई हुई थी, बहुत अगाध जल था, अचार पर खड़े हुए थे, इसकी जो ढाय थी वो टूट गई, और जैसे ही वो ढाय के साथ अगाध जल में चले गए। लेकिन जब अगाध जल में गए तो उसी समय प्रभु गोपीनाथ जी आ गए, उन्होंने मधु गोस्वामी को अपने हाथ में ले लिया। उनका वो स्पर्श पाते ही मधु गोस्वामी जी ने अपने नेत्र खोल दिए, अरे मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। उनकी गोद में आते ही मधु गोस्वामी जी ने कहा, मधुर मधुर वह दिल घन सुंदर, यमुना हरि वप अनुहर।
मधु गोस्वामी ने कहा, प्रभु बस एक ही इच्छा है कि आपकी ये छवि सदा मेरे मित्रों के सामने बनी रहे, अर्थात ये रूप अब मुझे सदा सदा के लिए देखने को मिल जाए। अब आप मेरे आंखों के सामने से अदृश्य मत हो। तो गोपीनाथ जी ने मधु गोस्वामी जी को कहा, तुम चिंता ना करो, रो मत, मैं अपने आप को विग्रह रूप में तुम्हारे सामने रखता हूं और तुम्हें इस विग्रह में मेरा साक्षात्कार होगा। उसी समय प्रभु मूर्ति रूप हो गए। हम लोगों को देखने में मूर्ति रूप लगते हैं, लेकिन मधु गोस्वामी जी को तो उस विग्रह में साक्षात्कार प्रभु का होता था। तो मधु गोस्वामी जी के उनको बचाने के लिए, उनकी प्राण रक्षा के लिए प्रभु आए और उन गोपीनाथ जी का हम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद हम लोगों ने राधा रमण जी के दर्शन किए। ये राधा रमण जी भी सिद्ध विग्रह हैं, ये गोपाल भट्ट जी के ठाकुर हैं। इनका प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार गोपाल भट्ट जी को एक कोई भक्त उनके ठाकुर के लिए पोशाक देने के लिए आया। गोपाल भट्ट जी के पास शालिग्राम भगवान की सेवा थी, वो शालिग्राम भगवान की ही सेवा करते थे। तो कोई एक व्यक्ति उनको पोशाक देने के लिए आया उनके ठाकुर जी को, तो गोपाल भट्ट जी ने मना कर दिया कि मैं पोशाक लेके क्या करूंगा, मेरे ठाकुर तो गोल गोल से हैं, उनके ना हाथ है ना पैर है, मैं पोशाक कैसे धारण करूंगा। तो पोशाक लेने के लिए जब मना कर दिया तो उस भक्त के मन में बड़ा दुख हुआ। प्रभु ने गोपाल भट्ट जी को कहा कि आप पोशाक लेने को मना ना करें, आप मेरा जैसा रूप चाहेंगे, जैसा विग्रह चाहेंगे, मैं वैसा ही प्रकट करूंगा। तो गोपाल भट्ट जी ने उस भक्त से वो पोशाक ले ली। इसके बाद जब पोशाक धारण कराने को बैठे तो शालिग्राम भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपके तो ना हाथ मुझे दिखाई देते ना पैर दिखाई देते, मैं पोशाक कैसे पहनूंगा। तो उसी समय भगवान त्रिभंग रूप से खड़े हो गए और गोपाल भट्ट जी ने उस पोशाक को धारण कराया। तो राधा रमण जी शालिग्राम भगवान में से ही उनका प्राकट्य हुआ, उनका भी हम लोगों ने आज दर्शन किया। जीव गोस्वामी जी के ठाकुर के दर्शन करने गए, वहां चार विग्रह हैं जिनमें से
जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर जी हैं, कृष्णराज कविराज जी के राधा श्याम सुंदर वृंदावन चंद्र भी इनको कहते हैं, जयदेव स्वामी के राधा माधव और भूगर्भ जी के छह चुकनिया जी हैं। वही उस मंदिर के पीछे एक प्राचीन कुआ है जहां से रूप गोस्वामी जी और उनके साथ अन्य षड गोस्वामी सब के सब ठाकुर जी की सेवा के लिए उस कुएं से जल भरा करते थे। उस जल के स्पर्श मात्र से वहां उसके महात्मा में लिखा है कि सब सुख समृद्धि अपने आप जीव को मिल जाती है। साथ में वही इस मंदिर में वो शिला है गिरिराज जी की, जिसको ठाकुर जी ने स्वयं सनातन गोस्वामी जी को दिया था। सनातन गोस्वामी जी रोजाना वृंदावन से गिरिराज जी परिक्रमा करने के लिए जाते थे, पैदल जाते पैदल आते और फिर सात कोस परिक्रमा करने निष्ठा से जाते थे। जब ये वृद्ध हो गए तो इनको आने जाने में कष्ट होता, तो भगवान ने एक दिन सनातन गोस्वामी जी को कहा कि सनातन तुम रोजाना इतनी दूर क्यों आते जाते हो, लो मैं तुम्हें ये शिला देता हूं, इस शिला में चार चिन्ह हैं, गाय के खुर के चिन्ह, प्रभु की वंशी का, उनकी लकुट का। उस शिला में चार चिन्ह थे तो वो शिला दी और कहा कि तुम इस शिला की परिक्रमा कर लेना, बस तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। तो सनातन गोस्वामी जी ने उस शिला को लिया और उस दिन से, क्योंकि बहुत वृद्ध हो गए, उस शिला की परिक्रमा कर लेते हैं और उनको विश्वास था क्योंकि स्वयं भगवान ने वो शिव की गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती। राधा वल्लभ जी के हम लोगों ने दर्शन किए। राधा वल्लभ जी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इनके घर में राधा वल्लभ भगवान थे, ये उनकी पूजा सेवा किया करते थे। एक बार भगवान ने इनको स्वप्नादेश किया, स्वप्न में आदेश दिया कि आत्मदेव कल यहां स्वामी हरिवंश जी महाराज आएंगे और तुम उनको मेरा ये विग्रह दे देना, वो मेरी और तुम्हारी जो दो लड़कियां हैं दो पुत्रियां हैं तुम उनको भी हरिवंश जी को सौंप देना और मुझे दहेज में दे देना। जब ये स्वप्नादेश हुआ तो श्री महाराज अगले ही दिन उनके घर पधारे, उनको जो जो प्रभु ने स्वप्न में आज्ञा की थी वो सब सुनाते हुए उन्होंने कहा कि महाराज आप ये मेरी दो कन्या हैं, इनको आप स्वीकार करें, मैं आपको सौंपता हूं और दहेज में अपने ये प्रभु राधा वल्लभ जी को आपको देता हूं। तब हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ जी को यहां वृंदावन में लेकर आए, वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो राधा वल्लभ जी इस प्रकार से वृंदावन में आए। उसके बाद निधिवन हम लोग गए। निधिवन जहां बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया। जिसे बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, स्वामी हरदास जी के प्रणाम किया करते थे उनके प्रकट होने से पहले। तो एक दिन वो रोजाना उस स्थान को प्रणाम करते थे। एक दिन विठल विपुल ने स्वामी हरदास जी को स्थान प्रणाम करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि इस स्थान पर न कोई विग्रह है न कोई ठाकुर सेवा है, तो ये इस स्थान को किस कारण से प्रणाम करते हैं। एक दिन विठल विपुल देव जी से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रश्न कर लिया कि स्वामी जी आप इस स्थान को प्रतिदिन प्रणाम क्यों करते हैं, यहां तो कोई भी भगवत विग्रह भी दिखाई नहीं देता। तो स्वामी हरदास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी
और उनकी कृपा से उन्होंने वहां देखा कि वहां एक बहुत सुंदर रंग महल, और उस रंग महल में राधा माधव युगल सरकार लीला कर रहे हैं। तो ये देखकर विठल विपुल देव जी जो थे उनका हृदय भाव से भर गया। थोड़ी देर में लीला दर्शन बंद हो गया। उसके बाद अगहन पंचमी के दिन हरिदास जी ने विठल विपुल देव जी को कहा कि जाओ उस रंग महल का दर्शन करो, राधा माधव का दर्शन करो। लेकिन उस दिन जब वो वहां गए तो ना रंग महल दिखाई, माधवी दिखाई दी। और उस स्थान पर, जिस स्थान को हरिदास जी रोजाना प्रणाम किया करते थे, उस स्थान पर उन्हें बिहारी जी का दर्शन हुआ। बिहारी जी को लेकर आए और हरिदास जी को कहा कि प्रभु मुझे वहां रंगमहल और राधा माधव के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन बिहारी जी के दर्शन हुए। तो बिहारी जी को हरिदास जी ने उनसे लिया और उस दिन से बिहारी जी की यहाँ पूजा होने लगी, अर्चना होने लगी। तो बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी महाराज थे। हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया। जो प्रमुख स्थल थे उनका हम लोगों ने दर्शन किया, जो प्रमुख विग्रहों का दर्शन किया। यो तो यहाँ ये सारी ऐसी लीला भूमि है कि सालों तक इस धाम के ऊपर बोला जाए तो भी इसका पार कोई नहीं पा सकता है। वृंदावन में हम लोगों का आखिरी पड़ाव है और यमुना जी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। आज दिन में भी यमुना जी के लिए यहाँ जो गोष्ठी हुई, कि आज यमुना जी की क्या स्थिति हो गई। ऐसी दयनीय स्थिति अकबर के सामने, अकबर के समय में एक बार ये वाद विवाद हुआ था कि गंगा बड़ी है या यमुना बड़ी है। वो तो उस समय श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने निर्णय किया था कि गंगा से अधिक बड़ी है यमुना, क्योंकि यमुना जी का जो जल है उसमें गंगा की अपेक्षा ज्यादा मात्रा। इस बात का वर्णन भागवत जी में भी मिलता है। इति प्रवाल सब फल पुष्प दलोत कर रही तरुणा न मध्य यमुना कथा। श्री कृष्ण जब यहाँ यमुना जी के तट पर आते थे, पाय स्मृष्टम शीतलम शिवम, तो यहाँ का जो जल था वो ऐसा था कि पापों का नाश करता, प्यास बुझाता, ऐसा शीतल था और ऐसा शुभ जल था जो अग राशि को नष्ट कर देता था। लेकिन आज उसी जल को पी लो तो सीधे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इतनी गिरावट यमुना जी के जल में आ गई। जबकि यमुना जी के बारे में वल्लभाचार्य जी ने जो मदराष्टक बनाया उसमें उन्होंने यमुना जी के बारे में, यमुना जल के बारे में लिखा है। यमुना बीच मधुर Thank you.
यमुना मधुरा, यमुना जी का जल इतना मधुर था, आज वही यमुना जल उतना ही ज्यादा विषाक्त हो चुका। लेकिन विषाक्त जो यमुना जल हुआ, कि नेता भ्रष्टाचारी हैं, सरकार भ्रष्टाचारी है, लेकिन पहले अपने आप को दोषी समझना चाहिए, क्योंकि कमी हम लोगों की, हमारे अंदर दोष ना हो। हम लोग अपने स्वार्थ में इतने मर चुके हैं कि साधु है तो केवल अपने आश्रम, अपने संप्रदाय तक सीमित हो गए हैं। गृहस्थी है तो अपना मकान, अपना घर, अपनी बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं। यदि हम लोगों को यमुना जी की चिंता होती तो यमुना जी का ऐसा स्वरूप सामने नहीं आता। जरा सा दूध चढ़ा के, फूल चढ़ाकर हम लोग अपने आप को यमुना जी का भक्त मान लेते हैं, अपने आप को धार्मिक समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को धार्मिक कहलाने के योग्य कहां से हैं, जरा सोचना चाहिए। हमारे सामने ही धाम का स्वरूप इतना बिगड़ता जा रहा है और उसके बाद भी हम अपने आप को धार्मिक कहें, अपने आप को भक्त कहें, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। लेकिन चाहे वो धाम का स्वरूप हो, नष्ट होने का कारण भी युग धर्म है। पहले ही हमारे वेद पुराण में कह दिया गया कि जब कलयुग बढ़ेगा तो अपने आप जितने भी धाम हैं, मंदिर हैं, ये सब लुप्त होते जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, धर्म का अपने आप नाश होगा। किंतु उस नाश को रोकने के लिए ही भगवान सिद्धों के रूप में, योगेश्वरों के रूप में, संतों के रूप में हम लोगों के बीच में अवतार लेते हैं। उनके अंदर वो सामर्थ्य होती है कि युग धर्म भी, महापुरुष लोग जो सोच लें तो युग धर्म भी उसका कुछ नहीं कर सकता। पूज्य बाबा महाराज ने जो यमुना जी को शुद्ध करने का संकल्प लिया, तो इससे निश्चित समझ लेना चाहिए कि भले ही अभी बहुत जल्दी हमें वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु आगे आने वाले कुछ समय के बाद निश्चित ही, जब पूज्य बाबा महाराज ने संकल्प कर लिया, तो निश्चित ही हम लोग यमुना जी का वो स्वरूप एक न एक दिन देख लेंगे जो स्वरूप कृष्ण समय में था। कृष्ण समय में, उस समय भी भगवान ने काली नाग को निकाल कर जल को निर्विष्ट किया था, तो इस समय भी हूँ पूज्य बाबा महाराज जो साक्षात महारानी का ही एक तरह से अवतार है, तो वो भी जो जल विषाक्त हो गया है, निश्चित ही यमुना जी को बहुत जल्दी निर्विष करके उसको अपने पूर्व स्वरूप में स्थापित कर देंगे। और अंत में थोड़ी देर कीर्तन Yeah.
सभी यात्री ध्यान से सुनिए, कल प्रातः यात्रा ठीक 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। बिल्कुल सही टाइम 6 बजे यहाँ से पांडाल छोड़ देंगे, क्योंकि कल ज्यादा चलना है, इसलिए 6:15 बजे यात्रा, 6:15 बजे आरती होगी और 6 बजे हम लोग यहाँ से चल देंगे। तो आप लोग जल्दी से आराम करिए, सवेरे जल्दी उठिए। श्री राधे।